खेसारी लाल यादव ने इतना बेहतरीन गाना गाया शहनाज के लिए, शायद इतना रोमांटिक गाना तो वो अपनी पत्नी के लिए भी रियल लाइफ में नहीं गाते होंगे। हाँ, ये बात और है कि शहनाज काफी शर्मा गई है, काफी रोमांटिक हो गई है, और तो और इस पे एक्ट भी वो ऐसा कर रही है जिसे देखने के बाद सभी की हंसी छूट जा रही है। हाँ, घर के माहौल को, इतने टफ माहौल को शांत करने के लिए बिग बॉस के घर में जो डोज दिए जा रहे हैं वो काफी बेहतरीन है। और तो और दर्शकों को भी शहनाज और खेसारी की बॉन्डिंग बहुत पसंद आई है। आपको बता दें कि इन दोनों की बॉन्डिंग को देखते हुए ही बिग बॉस के कल का एपिसोड टीआरपी की रेस में नंबर वन था। और तो और शहनाज वाले एक्ट के बाद अब खेसारी लाल यादव घर के और भी मेंबर्स के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि खेसारी लाल यादव बिग बॉस के घर में एक अहम भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। वैसे खेसारी लाल यादव को बिग बॉस के घर में लाकर बिग बॉस मेकर्स ने एक काम तो बहुत बढ़िया किया। जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में बिग बॉस कोई ज्यादा देखता नहीं था, खेसारी के आने की वजह से बिग बॉस की टीआरपी वहां भी बढ़ गई है। इससे बिग बॉस के मेकर्स को हो रहा है जोरदार फायदा। तो यानी यहां आप कह सकते हैं कि खेसारी की वजह से ही यूपी बिहार में छाया हुआ है इन दिनों बिग बॉस का खुमार। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।